बड़ा जदुई पानी है और कमाल, वही काम कर और तू पिस्तौल मेरी जेब में पा दे, वो छेती कर, वो बड़ा ही जदुई पानी है। मुझे भी पानी। कोई बड़ा वो नहीं है, थे मेरे को ही रहेगा, वो कमाल है। चाचू सस्तेकल सरकार जी। और यार मैंने कितनी बार कहा है, और जब मैं कहीं बाहर जा रहा हुआ करूं, और तो मुझे टोका शोका मत करो। ओ मेरी क्या औकात जी, आपका रास्ता रोकने का टोकने का। वो तो जी आपकी कोठी की इतनो करानी जी पिन्नो जी, उसने मुझसे बोला था जी आप मेरी मदद जरूर करोगे, इस करके आ गया जी आपके दरवाजे पर। और मैं तो मदद करता ही रहता हूँ, और बताओ केड़ी मदद। ओ जी कुछ दिन पहले ना आपकी कोठी के पीछे जी किसी गोली से ना मेरा गधा मर गया सी जी, गधा मेरी रोजी रोटी का चलना सहारा था जी। ओए, इसका मतलब ये कि उस दिन जो गोली चली थी उससे कोई इंसान नहीं, वो एक गधा टाइप जानवर था। जी ये तो आपका बड़प्पन है जी, जो आप मेरे गधे को भी इंसान का दर्जा दे रहे हो जी। मेरे गधे के साथ जो हादसा हुआ पिन्नू ने भी अपनी आंखों से देखा था जी, आप चाहे तो पिन्नू से पूछ सकते हो जी। और नहीं जी, और मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, और तू फिक्र ना कर, और मैं तेरी हर टाइप मदद करूंगा। और अब तू जा। जी जी शुक्रिया सरकार जी। ओए पिन्नो, और तूने गधे के चक्कर में मुझे गधा बना दिया। ओए चार दोस्त खोर बना ले, ओए बहुत काम आने वाले हैं। ओए हैगी कितने तू, ओए ये प्यार श्यार क्या है, ओए मखौल बना रखा है, ओए फिल्में देखना छोड़ और घर का चूल्हा चौका संभाला कर। छोटे चौधरी जी, इस पिन्नो गरीब नु भी सपने देखने का हक है, हक है। ओए, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी आँखा दी नींद छीन ले और मेरे ऊपर कतल छतल का इल्जाम लगा दे। ठीक है, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने माफ कर दो ना, मैंने माफ कर दो। छोटी चौधरी जी, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैंने बड़े चौधरी जी के पास जाकर आपकी शिकायत करनी है। और शिकायत? अजीब मखौल है, शिकायत केड़ी शिकायत? ओ, केड़ी शिकायत? मेरा नाम पिन्नो है। वो तो मैं जानता हूँ। हाँ, पिन्नो ने दुनिया देखी है, पिन्नो सब जानती है, पर तुसी छोटे चौधरी जी पिन्नो को ना अच्छी तरह से नहीं जानते हो। हाँ, और क्या अपनी पिन्नो लगा रखा है, हैं? हमेशा यही रट लगाए रहती है। और मतबल क्या है तेरा वेद भाई? मतलब ये है कि पिन्नो सिर्फ आपकी, छोटी चौधरी जी सिर्फ आपकी, सारे जमाने की दीवारा तोड़ देना है। कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल देख लेना। उस कंट्रोल कार, एक और बात, पिन्नो ने एक बार कह दिया ते बस कह दिया। और ये फिल्म तो रात में ही आ रही थी, और फिल्मों का इन्फेक्शन फैल सा रहा है। ओए बाय द वे कमल चौधरी, ओए तेरा तो कुछ जादू ही ऐसा है, ओए स्मार्टनेस है तेरे में, ओए कमाल की स्मार्टनेस है, और इसमें गरीब का क्या दोष है? और कोई दोष नहीं है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया, प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी है? ये कैसी कविता है? सीधे सीधे गले पर जाने वाली गल है। इससे बढ़िया कविता तो मैं ही बोल सकती हूँ, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ डालू। हाय हाय रूपा, आप इतने कैसे जी? ओ जी मैंने ना जी आपसे बात कही नहीं थी। जो आपको बुआ ने इतने देख लिया ना, तो तूफान खड़ा कर देना है जी, आप जाओ। ओ ना जी ना, सौ रब दी, मैं ना आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान करने नहीं आया, मैं तो ना जी बस आपसे अपना दिल का हाल बताने आया। हाय, आप तो बड़े ही आशिक मिजाज निकले, मैंने तो पता ही नहीं था। ओ जी बस
क्या बताएं रानी जी, ये दिल की बातों बस ये दिल ही जानता है। नहीं सही कहा आपने, आजकल ना मेरा भी दिल पे कोई जोर नहीं चलता। 100% करेक्ट है जी, वो तो शुक्र है मेरे रब का कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। ये रानी को ना दिल से कनेक्टेड सारी बात बड़ी चक्की समझती है जी। मैं कविता ही पढ़ती हूँ ना। ओ जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपनी सारी दिल की बातें आपके साथ खुल के कर सकता हूँ। हाँ जी। ओ रानी जी, आपको तो पता ही है ना कि बेबे और बहुजी ने हमारे ब्याह की बात चलाई है। हाँ, पर ये जालिम समाज रुकावट बन गया है। मुझे समाज का तो पता नहीं, पर ना बेबे और बहुजी ने हमारा ना ब्याह करवा के सांस लेनी है। हाँ, सच्ची जी। रानी जी, आप इस गरीब की एक बात मानेगी, आप ना बेबे और बहुजी के सामने बस इस ब्याह के लिए ना कर देना। की मतलब? जी, मेरा मतलब ये है कि ना मुझे किसी देसी कुड़ी के साथ शादी नहीं करनी। मैं अगर शादी करूंगा तो अमेरिका या कनाडा के किसी गोरी मैम के साथ, होना जी जो फर फर अंग्रेजी बोले। हाँ लड्डी फूल, बकवास ना कर। हाँ वो इतनी देर से ना तेरी बातें सुन के ना मैं सपनों में उड़ रही थी। इन पे पता चला कि तेरी दिल की रानी ये रानी नहीं है, कोई गोरी मैम है। और रानी जी माइंडेड, मेरे बारे में जो बोलना बोलो, उन गोरी मैमो के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ ये चुप कर, बकवास ना कर। हाँ कुएं में जाए तेरी सारी गोरी मैम। वो तो मैं तस ना चरस खा के विवाह के लिए सोच रही थी। वैसे भी तुझे पता है दिल्ली नई दे पुराने सारे गबरू जवान ना रानी से इस रानी से शादी करने के लिए मर रहे हैं। शक्ल देखिए कभी आईने में, कौन करेगा तुझसे शादी? ओ फिटे मुटु यू जी, वो कहाँ वो अमेरिका की गोरी गोरी मेमे और कहाँ ये दिल्ली की फीकी लड़कियाँ, हम तो चले कनाडा। ओ ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, मैंने पता है तू वापस आएगा। चल पिन्नो, हम लोग जा रहे हैं पाजी के चाचा जी के भाई के दोस्त के घर, और व्रत भी ओथे ही खोलने वाले हैं। हाय हाय हाय, आप ना जाओ व्रत खोलने, और हमारे गरीब के बारे में ना कोई नहीं सोचना है, हमारा भी तो व्रत है ना। हाय रब्बा, कितने ड्रामे करती है तू, है ना? मुझे सब पता है, एक तू और एक वो रानी, तुम दोनों घर का आधा राशन तो खुद ही हड़प कर जाते हो, और बाकी जो आधा बचता है उसमें से हम लोगों में बढ़ता है। हाय हाय, अब इस घर में यही सुनना बाकी था बिल्लो दीदी, कब कब इस गरीब ने आपका निवाला छीना है। हाँ बिल्लो दीदी, हे रब मैंने उठा ले। हाय, इतना क्यों परेशान कर रही है रब को? हाँ तू ना एक काम कर, या तो जहर की पूड़ी खा ले, और या तो ना छत पे से कूदी मार ले। ओए हट, दूर हट। हाँ खराब कर दिए मेरे सारे कपड़े। हाँ तो मैंने एक बात सच्ची सुची पता कि वो गधे वाला क्या किस्सा था। केड़ा केड़ा गधे वाला किस्सा? ओए उठ 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 उठ। हाँ सच सच तू मुझे बता कि जब गधा मरा था तो तूने पाजी को ये क्यों बोला कि बंदा मरा है? हाँ अच्छा वो वाला किस्सा। अब पिन्नो नो भी धोखा हो सकता है ना। बिल्लो दीदी वो क्या हो ना, जल्दी जल्दी में पता नहीं चला था कि वो गधा था या बंदा, और वैसे भी आजकल गधे और इंसान में की फर्क रह गया है, बताओ तुझे बताओ। अब मुझे देख लो, सारा दिन गधे की तरह काम करो और फिर मालकों से डांट खाओ। अब वो क्या हुआ ना, उस बेचारे गधे की शक्ल थी, किस्मत भी इंसान की तरह लग रही थी, तो मैंने लगा कि वो इंसान है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि इंसान है। ओए बस कर, तेरी बात ना मेरी समझ में नहीं आनी, मैं चलती हूँ। हाँ और भी मेहमान आने वाले और सब उठे व्रत खोलने वाले, अगर जरा सी भी देर हो गई ना तो वहाँ ना सारे वधिया वधिया पकवान ना वो लोग ही खा जाएंगे, और मेरे हाथ में आएगा सिर्फ आलू। मैं ना चलती हूँ, और तू ना अपना ख्याल रखी और अच्छे से साफ सफाई करी। हाँ स्टॉप कर गड्डी, और ये क्या चौकीदारनियों की तरह इधर से उधर हाल में टहल रही है। हाँ तो पिन्नो कभी इस
घर की नौकरानी तो कभी चौकीदार नहीं होती है। इज्जत दी है कभी किसी ने मुझे इस घर में? बड़ी इज्जत चाहिए तेरे को हैं? ओए तुझे पता है ओए तूने जो मेरे साथ किया है हैं? उसके बाद तेरे को इज्जत चाहिए? ओए और तू इस घर में है मतलब शुक्र वाली गल है। ओए एक तो चोरी और उत्तों दी सीना जोरी। अच्छा जी तो निकाल दो मैंने इस घर से, निकल जाऊंगी मैं, कुएं में छलांग लगा दूंगी, दर दर के ठोकरे खाऊंगी। मेरी अंधी माँ और मासूम भाई बहनों का क्या होएगा? किल्ले मैं ही तो थी कमाने वाली इस घर में। और मैंनू एक गल समझ नहीं आ रही, और तेरे घर में और सब टेढ़े मेढ़े लोग हैं, और तू इतनी सीधी कैसे पैदा हो गई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और खैर छाटो, और तेरी जिंदगी में इतनी टेंशन है और मैंनू पता ही नहीं सी। हाँ जी तो आपने आपने कभी पूछा कि पिन्नू दस तेरी जिंदगी में की कहानी है? सब ठीक तो है, की चल रहा है, कभी पूछा? नहीं ना, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाते रहते हो, ये कहानी वो कहानी, खुद दबंग तो के सब दबंग। ओ यार और तेरी सोच पर ना और मुझे बड़ा अफसोस जैसा हो रहा है। अच्छा तो मैं ना भी जा रही हूँ मरने। आ छोटी चौधरी जी छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मरना है, छोड़ दो। ए, मेरा हाथ इधर है और मैं तनु नहीं फड़या है, मैंने पकड़ा नहीं तुझे। कोई गल दस कि अगर तू ऐसा कुछ कर लेती और तो मुझे ना और बड़ा अफसोस सा होना था, और अपने आप को कभी मैं माफ टाइप की चीज भी नहीं कर पाता वो सच्ची। अच्छा जी तो मरना क्या? मैं जी नहीं मर रही जी, नहीं मर रही मैं। वो तो बड़ी 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 मेहरबानी जी। अच्छा छोटी चौधरी जी ये सब तो ठीक है, एक गल दसू? हाँ जी। वो क्या है ना, अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाना, काफी दिन हो गए और पिन्नो के पास टाइम ही नहीं, टाइम तो नहीं और ऊपर से ये भी नहीं, आप तो जानते हो महंगाई क्या आसमान छू रही है जी, तो वो। हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, वो यार कुड़ी पहले ब्लैकमेल करती थी, उन इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और तू तो सारा गेम खराब कर देता है। हजार हजार के ही हैं तो ये ले रख। मुझे तो 500 है। और 500 नहीं है, उस दिन गलती से आ गए थे। और ये देख तू पढ़ी लिखी नहीं है, मैं बताता हूँ। और देख 30 है और इकाई दहाई ते सैकड़ा और ती अगे एक लिखा हुआ है और 1000 हो गए ना। ते तू हुन जा और मुझे बहुत काम है, वो छेती जा और मादा इलाज कराई, उन्हें लेके जाई हॉस्पिटल। ओए मेरे तो पैसे ही खत्म होते जा रहे हैं, ओए मैं करूंगा क्या आगे, और मुझे किसी से मांगने पड़ेंगे। वैसे सरदार कल आपने चंगा नहीं किया। ओए मैंने जो किया वो तुम लोग नहीं समझ सकते, कभी समझ में नहीं आएगा, बस देखते जाओ मैं जो कर रहा हूँ। मैं अपने इस गिरोह को और भी मजबूत देखना चाहता हूँ बे। मैं क्या सरदार, ऐ तो हमारे डाकू विक्रांत सिंह के राज में हो सकता है। इसी एक बात बताओ, डाकू विक्रांत सिंह वापस कब आ रहा है जी? ये तूने एकदम दिमाग वाली बात कही है बे, और इसका जवाब हैगा मेरे पास। इसका जवाब यह हैगा, बहुत जल्द डाकू विक्रांत सिंह वापस आएगा और आके इस पूरे गिरोह को संभालेगा। डाकू विक्रांत जिंदाबाद, डाकू विक्रांत जिंदाबाद, डाकू विक्रांत जिंदाबाद। की सोच रहे हो चौधरी जी? मैं सोच रहा हूँ वरुणा की अपनी रानी अब बच्ची नहीं रही, सियानी हो गई, उसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, रानी वाकई सयानी हो गई है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है मनोरमा, देखो ना पता ही नहीं चला, और हमारी छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। लेकिन एक बात महसूस किया है, अरे बिल्लो पे तो लगता है जैसे समय की सुई जाकर रुक गई हो, आगे बढ़ ही नहीं रही है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? अरे उसके बारे में मैंने बात की है अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई कोई रिश्ता बताओ,
अब रब ने कोई ना कोई रास्ता दिखाई देना है। रब करे उसका भी घर जल्दी बस जाए। ओए चिंता ना कर मनोरमा, बहुत सोने घर जाएगी वो कुड़ी अपनी। कौन है यार? ओए बकरी। ओए मैं। हाँ ओए दरवाजा खोल यार, बहुत जरूरी सी बात करनी है। अबे इतनी रात को क्या बात करनी है? कौन है बे? ओए यार ओए मैं कमल चौधरी हूँ। ओ कौन कमल चौधरी? कमल चौधरी? कमल चौधरी? ओए दरवाजा खोलना, वो एक झलक का सवाल है। ओए कमल चौधरी अब मैं क्या करूँ? ओए दरवाजा खोलना। हाँ चले जाओ, नहीं तो मैं 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 शोर मचा दूंगी। हाँ चोर 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 चोर, चले जाओ। चोर चोर चोर। ओ यार की कर रही है? ओ सब उठ जाएंगे। आया ओ मैं जा रहा। हाँ वो किस टाइप का आदमी है यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। आज मैं